सिखां दी सर्वोच्च अदालत श्री अकाल तख्त साहिब वालों वक् वक् पंथक खेत्रां विच नाम खटन वालियां सिख जगत दियां 11 नामवर शख्सियतां नूं वक् वक् विशेष सन्मान ते अवार्ड भेट करके सन्मानित करन दा फैसला कीता गया है। पर सूत्रां मुताबिक सन्मानित कीतियां जाण वालियां शख्सियतां विच पाकिस्तान च रह रहे भारत दे मोस्ट वॉन्टेड हाईजैकर गजेंद्र सिंह दा नाम भी शामिल है, जिस नूं पंथक सेवक अवार्ड देण दा ऐलान कीता गया है। आओ सब तो पहला जानते हैं आखिर कौन है गजेंद्र सिंह हाईजैकर। खालिस्तानी गजेंद्र सिंह दल खालसा का मुखी सी, जो मूल रूप में चंडीगढ़ का वासी सी। पंजाब विच खालिस्तानी मुहिम के संचालक जरनैल सिंह पिंडरांवाले की गिरफ्तारी मगरों उन्होंने रिहाई लई 1982 विच गजेंद्र सिंह ने 4 साथियों नाल मिलके इंडियन एयरलाइनस की फ्लाइट नू हाईजैक किया ते फ्लाइट नू लाहौर लै गए सन। गजेंद्र सिंह सने हाईजैकर्स ते पाकिस्तान विच केस चलिया, जिस तो बाद उन्होंने 1994 तक लाहौर जेल विच सज़ा कट्टी। इस तों बाद दो हाईजैकर तो 1998 भारत परत आए, पर गजेंद्र सिंह खालिस्तान विच ही वस गया। साल 2002 विच अटल बिहारी वाजपेई की सरकार ने पाकिस्तान नूं भी मोस्ट वॉन्टड अतवादियों की सूची सौंपी सी, जिस विच गजेंद्र सिंह का नाम भी शामिल सी। गजेंद्र सिंह नूं पाकिस्तान विच रहिंदे हुए 35 साल हो गए ने। श्री अकाल तख्त साहिब के इस फैसले ते जिथे कुछ लोगों वालों किंतु परंतु किया जा रहा है, उत्थे पंथक धिरां इसका समर्थन कर रही ने। दिल्ली कमेटी के सबका प्रधान मनजीत सिंह जीके ने इसका विरोध करने वाले लोगों नूं ठोकवां जवाब दिता है। सुनो की कह रहे ने मनजीत सिंह जीके। जिहड़े 11 लोगों नूं अनाउंस किया अकाल तख्त साहिब ने सन्मानित करना, उसके उत्ते कईयां नूं ऑब्जेक्शन हो रही है। मैं पूछना चाहना वा, यह लोग उदों कित्थे सीगे जदों साडे कातल सज्जन कुमार टाइटलर HKL भगत अरगिया नूं, जिन्हां ने हजारां बेगुनाह सिखां दा कतल कीता, उन्हां नूं सन्मानित कीता गया Z+ सिक्योरिटी दे के, वजीरियां दे के, उन्हां नूं वड्डे वड्डे अहुदे चेयरमैनियां दे के सरकारी, उस वेले लोकी कित्थे सीगे। तुसीं मैनूं सवाल करदे हो कि जिन्हां ने हाईजैक कीता सीगा पाकिस्तान लै गए सी प्लेन एक उहदे नाल बॉल दे नाल, मतलब उन्हां कोल कोई बंब नहीं सीगा, एक बॉल नूं रुमाल दे लपेट के लै गए, पाकिस्तान च 14 साल की सजा भुगत के आ गए, और उन्होंने जो सन्मानित कर रहे हो तुहानूं तकलीफ हो रही है। ये लोग कोई क्रिमिनल्स नहीं सीगे, ये कोई जद्दी पुश्ती गैंगस्टर्स नहीं सीगे, आम सिख सीगे, जो 1947 तो बाद साडे नाल हुंदा रहा, जो पंजाब नाल धक्का हुंदा रहा, जो सिक्खी नाल धक्का हुंदा रहा, उहदे करके यह धर्मयुद्ध मोर्चा लगा सी, और उहदे विच सारियां गल्लां होईयां। हुण मेरा सवाल है कि एक बच्चा मुसीबत सिंह जिहदा असली नाम मनजीत सिंह सीगा, टॉय पिस्टल नाल खिडौने वाले पिस्तौल दे नाल हाईजैक करदा है, अमृतसर लैंड करदा, लैंड करके कहिंदा कि मैं इंटरनेशनल दुनिया नूं दसना चाहना कि साडी प्लाइट की है, साडे नाल धक्के की हो रहे ने। जदों सरेंडर करके थल्ले उतरदा, पुलिस उसकी कनपट्टी ते पिस्तौल रख के गोली मार दिंदी है, कोई FIR दर्ज नहीं हुंदी, उसनूं कोई मौका नहीं दिता जांदा। कानून साडे वास्ते कानून नहीं है, बाकियां वास्ते है। मैं समझदा, मैं पुछना चाहना वा कि जदों इंदिरा गांधी अरेस्ट हुंदी है 1978 च जनता राज, दो पांडे ब्रदर्स हवाई जहाज हाईजैक करते हैं और हाईजैक करके प्रोटेस्ट करते हैं कि इंदिरा गांधी अरेस्ट क्यों किया गया। विद इन 2 ईयर इंदिरा गांधी का राज आ जाता, एक नूं दिल्ली दे विच MP बना दिता जाता है, दूजे नूं वजीर बना दिता जाता है UP की सरकार दे विच। मैं पूछना चाहना कि इस मुल्क दे विच दो कानून चलते हैं, तुसी कोई पिस्तौल नहीं उहदे कोल हैगा, उसने कोई एयरपोर्ट एरोप्लेन डैमेज नहीं किया, कोई सवारियां नूं नुकसान नहीं पहुंचाया, भावें एक ने जहाज पाकिस्तान ला लिया, भावें एक ने अमृतसर ला लिया, पाकिस्तान वाले ने सजा भुगत ली, वह कोई क्रिमिनल नहीं सीगा। जदों साडे ते तशद्दुद हो रहा, कोई सुनने वाला नहीं सीगा, ते आवाज चुकी उन्होंने, आवाज चुकी ते सजावां भुगत लईआं। तुसी उन्हां नूं बेशक टैररिस्ट कहते रहो, लेकिन मैं समझदा कि उन्होंने कौम वास्ते अपनी जिंदगी गाल दित्ती, उन्होंने अपने इशूज वास्ते अपनी जिंदगी गाल दित्ती। इत्थे सज्जन टाइटलर भगत जिन्होंने हजारों साडे कतल कीते होण, उन्हां नूं तुसी वजीरियां बख्श दिओ। उहदे बाद राजीव गांधी आखिया जब बड़ा पेड़ गिरता तो धरती हिलती, उन्हूं जस्टिफाई कर दिओ, सारा मुल्क एक पासे लग जावे, लेकिन यह कातल सीगे, ये टैररिस्ट है। मैं समझदा वा कि महात्मा गांधी की डैथ हुई सी, नाथूराम गाडसे ने मारिया सी, क्यों नहीं महाराष्ट्रियन या किसी उच्ची जात वालियां दे खिलाफ एक जहाज छिड़ गया। इंदिरा गांधी मरदी ओ महात्मा गांधी तो वड्डी लीडर सी कि तुसी एडा वड्डा जहाज छेड़ दिता, और जिन्हां ने कातल कीते ने उन्हां नूं तुसी अहुदिआं नाल नवाजदे पए हो, ते जिहड़े साडे लोकी ने, मैं समझदा कि उन्हां ने रोह चाके कीता होएगा, कानून तोड़िया होएगा, पर सजावां भुगत लईआं, लेकिन वह क्रिमिनल नहीं सीगे। मैं समझदा जो अकाल तख्त साहिब ने स्टैप लिया वह जस्टिफाइड।
बिना शक बीते दिनी पंजाब सिंह साहिबान दी होई इकत्तरता विच अजिहा फैसला करन दा कोई बयान नहीं दिता गया, पर सूत्रां मुताबिक जल्द ही इस सम्मान संबंधी मिति दा ऐलान किया जा सकता है। श्री अकाल तख्त साहिब वालों 11 प्रमुख सिख शख्सियतां नूं इन अवार्ड्स नाल सन्मानित किया जाना है। गुरपुर वासी ज्ञानी बलवंत सिंह कोठा गुरु नूं गुरमत मारतंड अवार्ड। गुरपुर वासी ज्ञानी गुरबचन सिंह खालसा नूं पंथ रतन अवार्ड। गुरपुर वासी ज्ञानी मेवा सिंह साबका मैंबर श्रोमणी कमेटी नूं श्रोमणी गुरमत प्रचारक। गुरपुर वासी बाबा चरण सिंह बीड़ साहिब वालियां नूं कौमी शहीद नाल सन्मानित किया जाएगा। इस तों इलावा डॉक्टर गुरनाम सिंह मुखी गुरमत संगीत विभाग पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला नूं भाई मरदाना जी यादगारी अवार्ड। भाई हरसिमरन सिंह श्री आनंदपुर साहिब नूं कौमी चिंतक सन्मान। भाई गजेंद्र सिंह गल खालसा नूं पंथक सेवक। भाई हरजिंदर सिंह खालसा बठिंडा नूं पंथक सेवक। डॉक्टर दर्शन सिंह साबका प्रोफेसर ते मुखी धर्म अध्ययन विभाग पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला नूं भाई गुरदास जी यादगारी अवार्ड। ज्ञानी गुरबचन सिंह मुक्सरी नूं श्रोमणी सेवक। बाबा इकबाल सिंह बड़ू साहिब नूं विद्या मारतंड अवार्ड नाल सन्मानित किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, चकबाणी टीवी।